अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे अब ये जानने के लिए आते हैं कि न्यूटन्स नोशन ऑफ स्पेस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, स्पेस ऑलवेज रिमेन्स सिमिलर एंड इमूवेबल। मतलब इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मतलब न्यूटन के मुताबिक स्पेस जो है वो हर जगह एक ही जैसा रहता है, ठीक है, और स्पेस को हटाया वगैरह नहीं जा सकता। अब फिर आगे उसमें आता है, स्पेस इज थ्री डायमेंशनल, सो ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ लेंथ, अ ब्रेथ एंड अ हाइट। मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब हम लोग को बताना है कि स्पेस मतलब थ्री डायमेंशनल है, 3D है, तो जितना भी ऑब्जेक्ट है सबके पास मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब कितना भी छोटा है, मतलब भले ही माइक्रो लेवल का है पर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। सो स्पेस इज़ देयर फॉर थ्री डायमेंशनल। तो इसलिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ के पास लेंथ है, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों चीज़ है, तो उसको थ्री डायमेंशनल बोला जाएगा। इसलिए स्पेस इज थ्री, देयर फॉर थ्री डायमेंशनल। दिस इज़ वाई पोजिशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी स्पेसिफाइड बाई थ्री कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आपको पता नहीं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट से हम लोग किसी चीज़ का या फिर किसी ऑब्जेक्ट, मैटर, पार्टिकल का पता लगाते हैं कि वो स्पेस में कहाँ है, उसका मतलब स्पेसिफिक पोजीशन पता लगाते हैं कोऑर्डिनेट से। तो दिस इज़ वाई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी स्पेसिफाइड बाई थ्री कोऑर्डिनेट्स, एक्स, वाई, जी और ये। अब आता है दूसरा, दूसरा क्या है नोशन, स्पेस इज़ फ्लैट, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्पेस है, खाली स्पेस है हम लोग के पास, तो उस स्पेस में दो पॉइंट हम लोग ले लिए। तो उस स्पेस में जब दो पॉइंट है, तो दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, आप बस इमेजिन कीजिए कि एक खाली, मतलब आँख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक खाली, मतलब आप अंतरिक्ष में हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, पूरा ब्लैक है, और वहाँ पे दो पॉइंट हो गया। तो उस दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग डालेंगे, वही स्ट्रेट लाइन लोग उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो उसी तरह, इफ़ वी टेक थ्री पॉइंट्स इन द स्पेस टू फॉर्म अ ट्रायंगल, द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू पाई। उसी तरह अगर हम लोग कोई तीन पॉइंट लिए, ठीक है, इफ़ वी टेक थ्री पॉइंट्स इन द स्पेस, स्पेस में कोई हम लोग तीन पॉइंट लिए, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा जिसका टोटल एंगल का सम पाई होगा, मतलब 360, दैट इज पाई इक्वल्स 360 डिग्री। हावेवर फ्रॉम लेटेस्ट थ्योरी स्पेस इज़ नॉट फ्लैट बट कर्व। तो लेटेस्ट थ्योरी के द्वारा ये बताया गया है कि स्पेस फ्लैट नहीं, असल में कर्व है। तीसरा आता है, स्पेस इज़ होमोजीनियस, वैसे होमोजीनियस का मतलब होता है हर जगह सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। तो स्पेस इज़ होमोजीनियस, इन अदर वर्ड्स स्पेस इज एवरीवेयर अलाइक दैट इज सिमिलर। मतलब स्पेस सारे जगह पे एक ही जैसा है। और चौथा आता है, स्पेस इज आइसोट्रॉपिक, मतलब स्पेस इज आइसोट्रॉपिक दैट मीन्स देर इज नॉट एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस। मतलब समझिएगा कि स्पेस में कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं, वो सारा डायरेक्शन हम लोग का बनाया हुआ है।